हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं आएगी, पर मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये पसंद आए। मैंने इसमें दो मैप को एक साथ जोड़ के जो रूट दिया गया है MSRDC की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो मैप इशू किए गए थे, उसे मैंने डाउनलोड करके दोनों को कंबाइन करके इसमें जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए कि एग्जैक्टली जो रूट है बुलेट ट्रेन का, मुंबई से नागपुर जो बुलेट ट्रेन बनने वाली है, उसका एग्जैक्ट जो रूट है वो आपको पता चल जाए कि मतलब ऊपर ऊपर से पता चल जाए कि ये रोड के किस साइड से जाने वाली है। ओके, तो चलिए। और हाँ, कमेंट्स में आप लोगों को बताना है कि जो रूट है वो सच में वही है या इसमें कुछ चेंज है या फिर पता नहीं, बट चलिए आपको दिखाता हूँ। शायद सच ना हो, बट देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना। ओके, ये देखो, ये जो है ये एक समृद्धि एक्सप्रेसवे का जो रूट है, सब इसमें डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इसमें है सारे के सारे। और ये जो मैप है ये है रेलवे का, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसके सब स्टेशन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ओके, मुंबई से शुरू होके शाहपुर, इगतपुरी, शिरडी, औरंगाबाद, जालना, मेहकर, मालेगांव, कारंजालड, पुलगांव, वर्धा और नागपुर। ओके, इसमें इतने स्टेशन्स है। तो ये देखो, मैंने इसमें जो है दोनों को कंबाइन करके इसे बनाने की कोशिश की है। मेरी तरफ से कोशिश मैंने की है, पता नहीं इसे आप ज़ूम करके ना अगर होता है तो देखो, वरना पॉज करके आप इसे देख सकते हो। मैंने क्या किया, नागपुर का जो दोनों का मैप में जो पॉइंट है नागपुर की तरफ और मुंबई का जो पॉइंट है, दोनों को एग्जैक्ट मिला के बहुत हद तक स्टेशनों को नज़दीक ला के दोनों को एग्जैक्ट मिला के कोशिश की है, ताकि रूट का पता चल जाए कि जो एग्जैक्ट रूट है बुलेट ट्रेन का वो खास है। तो मैंने देखा कि जो मेरी साइड जो रूट है औरंगाबाद के, देखो औरंगाबाद से नासिक की तरफ जो रूट है ना, वो दक्षिण की तरफ है, आप देख सकते हो दक्षिण की तरफ, जो कि सही है। मेरी तरफ जो रूट है वो सही है, इसमें इस मैप के थ्रू मैंने जो करने की कोशिश की है। ओके, तो उसी से शायद आगे भी ये रूट सही होगा, पता नहीं। बट आप अगर उस साइड से रहते हो, मतलब जो मैप मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप उसी साइड से हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है नहीं है। ओके, अगर आपकी तरफ मार्किंग हो चुकी है क्या एग्जैक्ट, तो अगर मैं देखता हूँ तो औरंगाबाद से, मुझे लग रहा था कि औरंगाबाद से जालना तक भी ये रूट जो है साउथ साइड है, बट ऐसा नहीं है, मैप में ये तो उत्तर की तरफ दिखा रहा है। ओके, उत्तर साइड की तरफ ये मैप में उसकी दिशा दिखा रहा है, मतलब औरंगाबाद से उत्तर की तरफ ही है पूरा नागपुर तक, तकरीबन वर्धा तक। ओके, वहाँ से शायद वो से क्रॉस कर रहा है, पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट बहुत नज़दीक से जा रहा है शायद, बट उत्तर की तरफ से है। मुझे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार कि जो रूट है यह उत्तर की तरफ से है या दक्षिण की तरफ से है, मैंने उन्हें आंसर भी किया था कि ये रूट जो है दक्षिण की तरफ है, क्योंकि मुझे लगा था कि यार अगर औरंगाबाद साउथ साइड है, जालना साउथ साइड है, तो सारे स्टेशन एग्जैक्टली साउथ साइड में आ रहे हैं, सारे जो डिस्ट्रिक्ट मेन डिस्ट्रिक्ट वो साउथ साइड है, तो मुझे लगा कि ये रूट भी पूरे के पूरा साउथ है, क्योंकि एग्जैक्ट समृद्धि की लोकेशन तो मुझे पता नहीं थी ना, और इसकी भी लोकेशन थोड़ी पता है कि, बट ये जो मैंने बनाया है, पता नहीं ये कच्चा चिट्ठा है, मैं इसे पूरा मानता नहीं हूँ, बट अगर उत्तर की तरफ आगे इस रोड के, मतलब औरंगाबाद से नागपुर की तरफ, अगर इस रोड के उत्तर की तरफ किसी के खेत में अगर कोई पोल गाड़ दिया गया है, मार्किंग की गई है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो होप आपको हेल्प होगी। बाय।